पूरा का पूरा झुंड आ गया यहाँ पे पतंगों का। वो देखो एक और काटी उसने, वो गई कट के, एक और पतंग मुझे लगता है इधर भी मेरी छत में आ जाएगी। वो देखो कट के जा रही है, ऊपर से हमारा पेज चलता है, नीचे से अपोनेंट। ये बनाया मैंने गहरा करके और देखो चक्कर ही रह दिए मैंने उसके हाथों में, पतंग काट दिए। बड़ा अपोनेंट ऊपर से हमने खड़ी करके दिए, उसने बाहर निकाला, हमने अंदर का पट मारा 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 मारा। अबे यार ये क्यों कट गई मेरी पतंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेचारे काइडर ऑफिशियल। सामने आप देख सकते हैं भाई पूरा का पूरा झुंड है पतंगों का। मुझे लगा एक आध पतंग कट के भी आएगी मेरी छत में अभी, और वो एक और पतंग कटी। देखो पतंगे आप देख सकते हैं यार, वो बंदा लपेट रहा था और उसने जैसे बीच में घुसाई ना उसकी भी कट गई, और पीछे से और भी पेज भी लड़ रहे हैं। और जल्दी से हम भी अपनी पतंग उड़ाएंगे, काटेंगे इन लोग की जो ये लपेट रहे ना। सबसे पहले तो इनकी काटूंगा, तो और की औरों की भी पतंग काट के दिखाएंगे। फिलहाल ये तो चले गई भाई पतंग लपेट के ले गया, अब मुझे लगा टूट ना जाए पतंग। बढ़िया यार, चांतर वाली लपेटी थी उसने, आ ले गया। तो ये वाली पतंग तो जा चुकी है, हम अपनी पतंग पार करते हैं और फिर आपको दूसरों की पतंग काट के दिखाते हैं। अब भाई जब तक मैं पतंग पार करने जा रहा था, यहाँ पे एक पतंग कट के आ गई सामने, आप देख सकते हैं। एक नहीं, एक्चुअली दो दो पतंग कट के आई हैं। एक पतंग पन्नी की है, ये पता नहीं कितनी देर से पड़ी है तो मुझे पता भी नहीं है। फिलहाल मेरे सामने एक पतंग कट के आई है, जो ऊपर आपको डोर दिख रहा है ये अभी कट के आई थी। सामने पतंग गिरी है उस छत पे और डोर इसका पूरा लटक रहा है, तो जल्दी से डंडा लाते निकाल के दिखाते हैं आपको। मेरा डंडा भाई डोर सामने रही। अबे आ जा आ जा आ जा, रुक जा रुक जा। अभी बहुत फंस रही है सामने पतंग रही। देखो ये पकड़ ली हमने, अबे ये डोर आ गई, पीछे से आ रही है डोर, इसे छोड़ते हैं। देखो पीछे से डोर आ रही है, आपको दिखाते हैं सामने सामने उधर। अब अभी वो पतंग है, कुछ तो है उधर, अबे कुछ तो है फंसी भी। डोर आ चुकी है मेरे हाथ में, पतंग वो देखो पतंग आपको दिख रही होगी, यही चांतर वाली पतंग थी जो पीछे से कट के अभी आई थी। और ये मेरे हाथ में पतंग रही, इसे गिराते हैं जल्दी से नीचे और फिर आपको दिखाते हैं कैसी पतंग है कैसी नहीं। एक पतंग और पड़ी है बाजू वाली छत में पन्नी वाली, तो चलो उसे भी निकाल लेते हैं, वो किसी बच्चे अच्छे को दे देंगे क्योंकि बच्चे अच्छे काफ़ी पतंग उड़ाते रहते हैं। तो ये रही अपनी पतंग, आपको दिखाते हैं किस कारीगर की है। भाई चील काट मंजूली पतंग है ये, और मुझे अच्छी लग रही, कम से कम 5 रुपये की तो पतंग होगी क्योंकि फिनिशिंग अच्छी है इस पतंग की। और आप लोग इस डिज़ाइन को क्या कहेंगे, तीर वाली पतंग, क्योंकि तीर की तरह इसमें कुछ डिज़ाइन बना है। तो एक पतंग तो भाई मिल गई मंजूली, ये तो मेरे सामने कट के आई थी। अब जो दूसरी पन्नी वाली पतंग पड़ी है ना, उसे भी निकालते हैं जल्दी से और उसे भी निकाल के दिखाते हैं। वो जहाँ तक लंगड़ से निकालूंगा मैं, तो जल्दी से निकालता हूँ दिखाता हूँ। पतंग सामने रही, हमने देखो जो मांझा भी कट के आई थी ना पतंग, जो मांझा उसके पीछे आया था उसी में देखो हमने ये बांध लिया, और इसका मांझा मुझे सामने दिख रहा पड़ा हुआ, तो जल्दी से फेंकते हैं। ये गया जहाँ तक आ जाएगा एक ही बार में। भाई दो दो पतंग एक साथ ही कट के आए थे, वो आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। थोड़ा घुमाते, ये आपको दिख रहा हो घुमाने में, और ये आया वो पतंग आती भी। देखो देखो एक ही बार में ले आए भाई हम निकाल के, आ जा अभी कहाँ फंस रहा है ये। अबे गिर गई यार, यहीं गिर गया है। ये देखो ये गिरा और ये हमने डाला दोबारा से, अब की बार आ जा, ज़्यादा नीचे नहीं है आज, वैसे हम डंडे से भी निकाल लेते। ये देखो आ गया, ये भी आपको दिखाते हैं। एक लूटी हमने पन्नी की पतंग, इसे भी दिखाते हैं। एक पन्नी की लूटी थी और एक वाली लूटी, भाई दो दो पतंगें मिल गई। और ये तो मैंने डोरा भी नहीं खींचा, जो पतंग पीछे से आ रही थी ना अभी, जो पतंग हमने लूटी थी उसका तो डोरा भी पीछे से ही आ रहा, तो जल्दी से इसे खींचते हैं फिर पतंग तक उड़ा के आपको दिखाते हैं। देखो डोरा यहाँ से आ रहा है और एक और पतंग हमें मिल गई है, ये वाली उड़ाते हैं दिखाते हैं आपको। अब ये रही भाई दोनों पतंगे, एक ये पन्नी वाली लूटी थी बच्चे को दे देंगे किसी, और ये तीर वाली हम उड़ा लेंगे शायद आज उड़ा लें, अभी उड़ा लें या फिर कल परस उड़ा के आपको दिखा देंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी भाई ये वाली पतंग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, पतंग हमने लूट ली है और जल्दी से पतंग उड़ाते हैं अपनी और काट के दिखाते हैं फिर दूसरों की पतंग। तो यहाँ पे हमारा पहला पेज आ गया सामने, आपको दिख रही होगी रेड सर्कल के अंदर जो पतंग है ये मेरी रही, मैं उड़ा रहा हूँ एकदम आगे से, एक बंदा मेरे पीछे से उड़ा रहा है। तो बार बार वो पतंग नीचे लाता है फिर ऊपर करके ले जाता है, वो देखो फिर से आगे लड़ाने, ब्लू सर्कल के अंदर आपको उसकी पतंग दिख जाएगी, एकदम पीछे से मेरे बाहर के निकाली, इसकी डोर एकदम मेरे सर के ऊपर ही चल रही है। फिर लेकर आया हमारे हाथ के तरफ, हमने खड़ी करके दिए से, ये बाहर की निकला बाहर की, मैंने वेट करा अंदर की दिखाई, रगड़ी। अबे यार पेस तो मैंने सही लड़ाया था, मुझे लग रहा ना नीचे जाके उसने पतंग थपथपा दी, जो मुझे पतंग नहीं दिखी अपनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से हमारी पतंग रही, अपोनेंट देखो ऊपर से आ रखा है। अब जब वो बाहर के निकल रहा था ना, देखो ये हमारा अपोनेंट बाहर के निकला, मैंने पतंग रोकी, और रोक के अगर कोई बाहर के निकलता तो हमें भी अंदर की खींचनी है। मैंने अंदर का गिरता हुआ देखो पट मारा यहाँ पे,
ये मारा पट मारा सही, एकदम पट भी सही मार रहा था, वो भी अपनी पतंग बाहर के खींच रहा था, लेकिन जब उसकी पतंग पेड़ के पीछे गई ना तो मुझे उसकी पतंग नहीं दिखी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे पक्का उसने अपनी पतंग में झटके मारे और तभी मेरी पतंग यहाँ पे कट के चले गई। तो भाई पहली पतंग तो हमारी कट गई थी, यहाँ पे दूसरी पतंग पार कर ली, सामने आपको दिख रही होगी रेड सर्कल के अंदर मेरी थी, ऊपर से नीचे से अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर बनाया, मारा मारा गद्दा मारा, वो भी निकल रहा है और काट दिया पेज, वो पट मारा था, मैंने जैसे ही गद्दा मारा वो लेट हो गया थोड़ा सा, और मेरी डोर जल्दी से पहुंच गई इसकी डोर के पास, तो एक पेज काट दिया, इससे पहले वाला पेज यार वो कट गया पेड़ के चक्कर में, मुझे पतंग नहीं दिख पाई, दूसरा उड़ाते दिखाते। यहाँ पे एक और पेज, नीचे से आपको हमारी पतंग दिख जाएगी रेड सर्कल के अंदर, एक पन्नी की पतंग उड़ी सामने यार देखो, तो चलो इसी को निपटाते हैं पहले वरना ये बीच में डालेगा, और पतंग भी उसकी पूरी राउंड है तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं मैं ही ना कट जाऊँ इससे, और तब भी खींच दिया मैंने आँखें बंद करके और काट दिया, बहुत डर लगता है भाई ऐसे ही पन्नी वाली पतंग से पेड़ उड़ाने में, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि इनकी पतंग कब घूम के कहाँ आ जाएगी। फिलहाल दो पतंगें काट रखी इस वाली पतंग से, आगे और भी पतंगें हैं, तो अब और लंबी करते हैं अपनी पतंग और फिर आगे काट के दिखाते हैं आपको। तो पतंग देखो हम थोड़ी थोड़ी करके लंबी काटते रहते हैं, पहले पास वालों की काटते हैं, फिर उसके दूर वालों की काटते हैं, फिर और दूर वालों की काटते हैं, तो यहाँ पे पतंग हमने और ज़्यादा रेंज में कर ली है, तो रेड सर्कल के अंदर जो पतंग दिख रही है अभी कैमरे के बाहर चले गई है, अब आपको दिखी होगी ये हमारी पतंग ने ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा हमारे राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो चलो भाई इसको भी निपटाते हैं, या तो फिर वो हमें निपटा देगा या हम उसे निपटा देंगे। मारा गद्दा और देखो हमने उसे निपटा दिया, उसके हाथ में चक्कर ही रहन दी हमने, वो सोच रहा था कि अब मैं खींचूंगा, लेकिन मैंने इतनी पहले खींची ना इतनी भयंकर कि उसके हाथ में चक्कर ही रह गए। तो एक और पतंग काट दिए, आज तो मज़ा आ गया, तीन तीन पतंग काट रही इससे, मेरे सर के ऊपर एक पेज चलता हुआ, पतंग इतनी कट के आती ना क्या बताऊँ मैं आपको, हर तरफ पतंगबाजी होती रहती है, एक पतंग राइट से कट गई तो एक पतंग लेफ्ट से कट जाएगी, ये देखो कट गया नीचे वाला, अबे भाई काट दिया उसने नीचे वाले, एकदम सीधी खींच दी थी, ऊपर वाला बाहर की खींच रहा था, इस मारे कट गई उसकी पतंग, पतंगबाजी देखो यार आप, और देखो आसमान एकदम वाइट वाइट था लेकिन मेरा कैमरा पता नहीं कैसा नीला दिखाता है एकदम, लेकिन तब भी सही है व्यू तो अच्छा ही आता है जैसा भी दिखाए, पतंगबाजी मैं आपको दिखा रहा था तो सामने देखो यार बादल बादल हो रहा है ना, तो आज बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना, लाइक कर दो भाई इतने बढ़िया व्यू के लिए, पतंग देखो व्यू देखो सामने का, मज़ा आ गया होगा आपको भी वीडियो देख के। एक और पेज चलता हुआ रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही, वो देखो नीचे से एक बंदा वो खड़ी करके के ला रहा अपनी, ये बनाया मैंने, रुका मैं यहाँ पे और वो काटा एक पेज, और भाई उसने घुसा दिया आगे, अबे यार अब यही होता, देखो मैंने एक की पतंग काट दी तो किसी और ने मेरे उसमें घुसा दी और एकदम कन्नों के पास से मेरी पतंग काट दी, तो जब ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं तो ये बहुत होता है कि आप लड़ाओ किसी और से और कोई और आपकी काट के चले जाए। फिलहाल उसकी भी कट गई है देखो, उसकी पतंग टूट के चले गई थी, तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं अब। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और काइट शॉप की वीडियो, जिसको कहीं चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कल या परसों तक काइट शॉप की वीडियो अपलोड कर दूंगा, मुझे जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं आज कल में जाके वीडियो बना सकूँ और जल्दी से फिर आपको दे सकूँ।